मुस्लिम लीग नून ने पूरा किया, नामो वादा पीटीआई ने पूरा किया। आज ये दोनों पीटीआई हुकूमत में है और नून लीग अपोजिशन में है, इन दोनों की कापे टांग रही है। ये हजारे के हकूक के लिए नहीं बोल रहे। उस दिन किसी ने कहा कि मैक मलक को लाओ, इधर से इलेक्शन लड़ाओ। मैक मलक ने इनकार कर दिया कि हजारा में हमारे गुरु मौजूद है, हम इनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ते। ये जो वोट है, ये वोट हमारे बच्चों के मुस्तकबल का मामला है, और इसलिए कि हजारा वोट की सबसे ज्यादा इनकम है। मैं ये भी बताता चलूं कि वोट की बहाली के बाद इंशाल्लाह 51,000 हमारा जो बच्चा फेल हुआ है, आपको खुशखबरी सुना दूं कि उसमें से 29,000 को वोट वालों ने पास कर दिया है। इसलिए कि ये बच्चे हमारे हैं, हम किसी के पिट्ठू को कबूल नहीं करेंगे। एहतमाद वोट के का सबसे बड़ा बोर्ड है। हजारा सप्लाई इलेक्ट्रिक से 5 अरब रुपया हमारा जा रहा है, और चोरी वो करें और वैसे हम बड़े वो सडी जबाना में चाहते हसम करे नानी के चट्टी पर। ये बात नहीं होगी, हमारे साथ है, कब नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ है। जाने देंगे, और मैं यहाँ के पीएमएलएन के लोग मौजूद हैं, उनको कहता हूँ कि हमारे साथ पीटीआई और नून लीग दोनों ने सूबा हजारा पे धोखा किया। हमारी करारदाद सूबे से 2/3 से नहीं पास कराई। आज हमने चूल्हा जलाया है टोकन एहतजाज का। जब इंशाल्लाह तुम ये काम नहीं करोगे, और हजारा एक्शन कमेटी सिर्फ वोट के लिए नहीं बनी है, आपको ये बताऊं इसमें हमारे शेर ताजर भी शामिल है, नौजवान तंजीमें भी शामिल है। अब हजारा के हर मसले के ऊपर हम बोलेंगे, और अगर इस बोर्ड को कैसर आलम, अली असगर खान, स्वाति आजम, स्वाति और आजम खान, ये अपना अकीदा पहले बाहिस करें, इनका अकीदा क्या है। हमारे दीन पे हमला करने की कोशिश हो रही है। एक पेपर के नाम पे अगर सहाबा कराम, आका अलैहिस्सलाम, अहले बैत और इस्लाम के ऊपर हमला हुआ, तो खुदा की कसम मैंने एमएनपीए और एमएनए के घरों को हम ये बाहर निकाल के इनको मारेंगे। हम समझते हैं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी होगी। अगर उसमें बात पूरी ना हुई तो इंशाल्लाह एक्शन कमेटी आइंदा के इजलास में आपको 1-2 दिन में फैसला जो है वो सुना देगी। आपने तैयार रहना है, और मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे पता चला है कि कुछ लोग यहाँ पे फोटो बनाते हैं। अरे भाई इधर आओ, बड़ा कैमरा लेके हमारी मूवी बनाओ, एजेंसी वाले भाइयों हमारी मूवी बनाओ, हम तो मरने के लिए तैयार खड़े हैं। वो जो मरने वाले मरने से डरते हैं, ना हम चोर हैं, ना हम चक्के हैं, और ना अटक पार के बूट पांची है हम। खान साहब, आपने मेरे गाय डॉक्टर तैरम कादरी का नजरिया चोरी करके आज से चंद दिन पहले बोला है कि हर डिवीजन सूबा होना चाहिए, तो फिर जब सूबा बनेगा तो वोट क्यों मुंतकिल कर रहे हो? ये हम नहीं होने देंगे। और मैं पीएमएलएन से भी कहता हूँ कि हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम किया जाए, और हजारे के एक एक हक का हम तहफ्फुज करेंगे। और इस शेर के साथ इख्तिताम करूंगा, ये भी आपको बताता चलूं कि अगर हमारी बात ना मानी गई, भी सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी उंगली करनी हमें आती है। हजारा जान करना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं, मगर उससे पहले एनएमएनए और एमपीए किसी भी जमात के ऊपर, हमारे तरीके इंसाफ के कारकुन भी है, पीएमएलएन के भी है, हम सबकी कदर करते हैं, मगर अगर ये मेरी पार्टी का मेरा बाप भी होता तो मैं उसके खिलाफ भी बात करता, क्योंकि हजारा के हकूक की बात है। इस बात पे खत्म करूंगा कि हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। नारा लगा रहे, एक कोई नारा।
हम नवाब मैं भी कोई खुल हूँ के खामोश रहू, गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो जोगे यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो लोग गुलाम होते हैं वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, गवर्नर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उनकी मिनिस्ट्रियां गवर्नरियां काम नहीं आती। जब जोगे यकीन पैदा होता है तो तब जंजीरें कटती है, तब अहमदाबाद को आजादी मिलेगी, तब हजारा को आजादी मिलेगी। हम निशानी बुनियाद पर बात नहीं करते, हम इंतजामी बुनियाद पर बात करते हैं, हम किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करते, हम अपने हकूक की बात करते हैं कि हमारे अहमदाबाद को बोर्ड को मुंतकिल न करो। अगर मुंतकिल करने की साजिश करोगे, इब्तदा करोगे, तो फिर हम एहतजाज करेंगे, आगे निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे जिस तरह हम तहरीक हजारा में निकले थे। तुमने तहरीक हजारा में भी साजिश की थी, उस वक्त भी तुमने हमारे साथ गेम की थी। अब नई गेम करने पे मैनेजमेंट जो है वो लाने चाह रहे हो, मैनेजमेंट नहीं मानते। हमें पता है ये वजीर आला के पास का काम नहीं रहा, हमें पता है ये गवर्नर के पास का काम नहीं रहा, हमें अब समझ आ चुकी है कि ये अवामी प्रेशर की बात है और इंशाल्लाह अवामी तो बात हम इसे वापस लेके छोड़ेंगे। एक मिनट के लिए मैं ख्यालात के इजहार के लिए मौका दूंगा सरदार शिमले साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज इस अशआर से करूंगा। वो मर्द ही जो डर जाए आलात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही जो डर जाए आलात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज का जो हमारा ये एहतजाज है, ये तो बात कोर्ट की मुंतकिली की हवाले से। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये MPTI और ये नूर लीग, यहाँ के MP है, मैंने मिनिस्टर MP है, इनको जिन्होंने सारे वाल कौम ने इनको वोटे दे के मिनिस्टर बनाए, MPMNA बनाए, आज की वो नींद की गोली लेके छोड़े हैं, वो वोट के हक में आज आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस असेंबलियों में क्यों नहीं उठा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम भरपूर तरीके से इंतबाह वोट की मुंतकिली की भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं अपने हजारे वालों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि 2010 में जब बाबा जी जिंदा थे, यहाँ भी हमारे सात भाई शहीद हुए, 250 के करीब जख्मी हुए, यहाँ पे रियासती दहशत गर्दी की गई और यहाँ से यहाँ तक नहीं हुई, यहाँ तक के हमारे हजारे वालों के साथ छुटली माँ के जैसा सलूक किया जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम इस तरह नहीं होने देंगे और मैं अपने तमाम हजारे वालों को ये मैसेज दूंगा कि अगर इन्होंने इतबाद बोर्ड मुंतकिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों का समंदर आएगा और इंशाल्लाह हम सारे हजारे को जान करेंगे और इंशाल्लाह मैं बाबे का सिपाही हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही, जब इन्होंने काल दी इंशाल्लाह सबसे पहले मैं होऊंगा। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा, वसलाम। बहुत शुक्रिया जी। मैं ताई मुख्तसर बाग के लिए नई लबासी साहब से मुलते भी चुके हो सारा जा खुलो जी, मेहरबानी हो सी अटक पा रहे हैं, अपने आवाज से गल कर सा
कि तुम लोग के कातिल भी हो मक्तल के अमी भी, तुम लोग के कातिल भी हो मक्तल के अमी भी, तुम लोग के जिल्लाद भी हो मुफ्ती ये दी भी, हम लोग के मेहनत की सजा भी ना हमारी, तुम लोग के फौजे भी हो बंदूकें भी तुम्हारी, हम लोग के सरेदार भी गोगा नहीं करते, हम लोग के सरेदार भी गोगा नहीं करते, हम वो है जो लाशों का सौदा नहीं करते। मैं सारे को पहले मुबारक आस्था हजारा एक्शन कमेटियां कि उन्होंने हजारा तालीमी बोर्ड आस्ते आज ए नजर सजाई है और मुबारकबाद से मुस्तहिक हूं, लेकिन बड़े अफसोस वाली गल करता, बड़े अफसोस वाली गल करता कि आज नुमाइंदे आए थे होना चाहिए या मुश्ताक अली पोस्टर लाने नल कि मैं हजारे का बोर्ड मुंतकिल नहीं होने दूंगा, पोस्टर लाने नल कभी भी बोर्ड नहीं रुकिया, बोर्ड हमेशा मैदान में जासे सर नाल आके खलसे सड़ी बामर से फिर बोर्ड, वरना याद रख अगले इलेक्शन में अगर ये बोर्ड चला गया पहले तो गल छोड़ो बोर्ड चला इंशाल्लाह अजीज साड़िया लाशा तो लंघे बोर्ड जो लगता है अगर साड़िया लाशा तो लंघ तुम्हें बोर्ड कह दिता तो फिर भी इंशाल्लाह हजारे की कौम तुम्हें कदे भी माफ ना करसी। मैं अपने भरावा की गुजारिश करता बच्चों का मसला है, यह किसी पार्टी का मसला नहीं, 38,000 तलबा मैथमेटिक्स के अंदर फेल हुआ है, मेरे तहलक एजुकेशन वाले 38,000 तलब इलम मैथमेटिक्स में फेल हुआ है, हूं मैथमेटिक्स में क्यों फेल हुआ है एक गल कदे किसी नहीं सोची, खुदा की कसम मैथमेटिक्स का जो पेपर बनाया गया है वो अटक पार तो बना के तबाह बोर्ड भेजा गया है ताकि ये बच्चे फेल हो बोर्ड से एतमाद खत्म हो गए और अभी बोर्ड आगे कहना और मेरे भाव अगर तुम ताकत न खत रहे हो इंशाल्लाह अजीज ये बोर्ड नहीं चुनता और ना अभी जरूर दे रहे बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया। अस अपनी इस टाइम पे कोशिश की थी है कि जितने सारे को लोग मौजूद है उन्होंने जो मैक्सिमम नुमाइंदगी का मौका देवा तमाम तंजीमा दे तमाम मेहमान आए उन्होंने शुक्रिया अदा करने कोई भरा रह गया हो तो मैं खावा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और मैं खिताब देसा मोहतरम जनाब काजी अजहर साहब हाँ कि वो आगे आऊ अपने खिलाफ तैयार करो चेयरमैन हजारा कोई माज काजी मोहम्मद अजहर एडवोकेट मेरे अजारा तरजीद गयूर भराओ नौजवानों बुजुर्गो एक्शन कमेटी के सारे लीडरों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आओ मिलकर मट्टी खोदे, आओ मिलकर मट्टी खोदे उसमें अपने दिल बो दे उसे आबाद करे और जुए के पसीने से इस बेकार जीने से न तू खुश है न मैं खुश। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज एक्टोबाद से तालीमी बोर्ड की मुंतकिली की गल करने वाले एक गल भूल गए कि हजारे की सरजमीन उसे फैसले वाले गयूर और गयूर आवाम इस बोर्ड का कदे भी तेरे मुंतकिल नहीं कर और आज असी आज ने तुसा एक निका जा शो दस है तो फिल्म को पहले एक निका जा टाइटल चलाते होंगे ने आज टाइटल है और तुसा असी दसा कि किस तरह से बोर्ड असी रोकते हैं असा अगर बोर्ड ना बनाए तो इस बोर्ड ना रोक भी अगले हाँ जरा मिस्त्री कोटा चाह रखता है वो टाड़े में भी अदौड़े मार रखता है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गो तुसा ने अपने इतिहाद का खत्म नहीं करना इतने आज असि किसी पार्टी की गल ना करते असि हजारे वाल कौम की गल करने और हजारे वाल कौम अगर मुताहिद हो सी तो पहले असा सारिया असा यूनिवर्सिटी खस के आती असा बोर्ड खस के आता असा हजारे वाल की शराख खस के आती और इंशाल्लाह हजारा सुबह भी खस के आता और अपने बोर्ड भी ना करते अरबाब इंतजार आएगा लाहना के तुसी रोज साडा इम्तिहान
तुसा पते कि 1946 दे रिफरेंडम तो खेल के आज तक कदारेवाल कौम ने तुसा हमेशा शिकस्त दी है और तुझी हर हर रोज थाना इम्तिहान दिते हो कि असि कि ना हो गए असा अपना नस्ल अपना सब कुछ मुंतकिल कर छोड़े और साडिया नस्ल इस कलम के अमीर ने साडिया कि असि ना हुआ कि वो अजारे दे हर काम वास्ते अगे खल के निकलो और अपना जाना दे नजराने भी पेश कर एक कदम इंकलाब इंकलाब एक कदम इंकलाब 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 अपनी मिट्टी अपना ख्याल इंकलाब इंकलाब अपनी मिट्टी अपना ख्याल इंकलाब इंकलाब इस वास्ते आज असा इथे सिर्फ एक गल तो साडे नाल कर दी है इना लोका दसना आ कि असा आज मैदान में निकल आए हां और असि अपनी नस्लों का दिफा करना जा रहे हैं जरा साडे बच्चों के स्कूल की तरफ देखी जरा साडे बच्चों के बोर्ड की तरफ देखी जरा साडे बच्चों के यूनिवर्सिटियों की नजर रखी असि उसकी आख्या कर दिता और उसका अल्लाह करके सारी जान इस वक्त इख्तितामी मराइल में काफिल है ये एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त चेयरमैन हजरा कौमी माज जो है वो खिताब कर रहे हैं और अपना लायमल नहीं लिहाजा आज असी इस प्रोग्राम इख्तिताम के मैं एक गल दसा मैं अपने एक्शन कमेटी के लीडर के मशवरे नाल कल एक्शन कमेटी की अदारा एक्शन कमेटी की मीटिंग होती और उसमें असी इंशाला आइंदा का लायमल देसा और उसके नाल नाल कैंप चौक पे आज तो बाद कल तो एक कैंप लग सी और एक कैंप लग के अवामी अगाई का कैंप हो सी उसे तुसा लोग सारे आ रहे हैं और आके यकजहती का इजहार कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपने शहर के ताजरा अपने शहर की इंतजामिया अपने शहर के बाकी ट्रेड लोग तंजीमा का बहुत मशहूर हाँ कि उन्होंने उन्होंने साडे वास्ते इसका अपना मुहब्बत का और इजहार का मेरे वास्ते नहीं अपनी नस्ल वास्ते इजहार किया है लिहाजा मैं नाजरा ऑफिस की मुंतकली का जरा एक मनसूबा पा बन गया असि इंशाला एक्शन कमेटी के मशवरे नाल उसा भी इंशाला रोक सक और एक मेरा अज सुबह साडे दुबई तो साडी पार्टी का एक सदर है उसने सुबह वेले मैं फोन किया न्याज खान जतून ने उस आखिया जी हजारेवाल कौम सब तो बड़ा जरा मसला है वह भी कि एक तो बाद जरा सा पासपोर्ट ऑफिस है उसमें असी पासपोर्ट लाने तो बाद लाने होंगे प्रोटेक्शन प्रोटेक्टर लाने वास्ते असा पिशावर जुड़ना पैदा है और जरा 100 रुपए का प्रोटेक्टर होंगे उसने 40-40, 50-50 हजार रुपए साडे को रिश्वत दिंदे ने इस वास्ते सारा मुतालबा है कि अगर एक तो बाद पासपोर्ट ऑफिस बन जाए तो एक आदमी है कुर्सी से मेज दे के इतने बाल छोड़ो ताकि वो प्रोटेक्टर भी ला के कोई लोग दे।